और अभी आप लोग देख सकते हैं कि इनका हालत क्या हुआ है, कितने पुराने कपड़े हैं, फटे कपड़े हैं। ये बताइए आपकी रागिनी विश्वकर्मा सगी बुआ हैं? अबे दे दे ही हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग, होप करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूँ मनीष कुमार चौधरी और आप देख रहे थे छोटू ब्लॉग। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो आप लोग देखा होगा कि आचल विश्वकर्मा का हम इंटरव्यू लिए थे और ये फेमस स्टार रागिनी विश्वकर्मा की भतीजी है और ये इसके अंदर इतना टैलेंट है कि ये आगे जाके कुछ भी कर सकती है। इसके अंदर बहुत ही टैलेंट भरा हुआ है। अभी आप लोगों को आचल विश्वकर्मा से गाना सुनते हैं और इनके अंदर के टैलेंट को भी जानते हैं हम लोग। बहनी कोई खूब शानदार गाना सुनाओ। जर तक राई तेला डाला रजऊ, जर तक राई तेला डाला रजऊ, आवा मचारी बनावा तानी काला रजऊ। मैंने वो गाना गाओ जो आपकी बुआ गाई थी और जो गाना फेमस हुआ था, जो वायरल हुआ था, वो वाला गाना सुनाओ। अबे दे दे ही अम्मे गरम में कॉल सिराजा जी, ये गो घरे लगा बाजीना ये सिराजा जी, अ तू तया बता रामा रुके दे सिराजा जी, ये गो घरे लगा बाजीना ये सिराजा, पंखा कूलर से गरम में न जाला सारा में कप हमारिया सही झुराला, बोले पैसा लगी सावंतन बेसी राजा जी, एगो घरे लगवा दीना एसी राजा जी। तो आपको हिंदी गाना आता है? हिंदी गाना नहीं आता है, तो भोजपुरी गाना कोई अच्छा गाना सुनाइए जिससे आपका भी वीडियो वायरल हो जाए। खूब अच्छा गाना सुनाइए, खूब अच्छा गाना सुनाइए। के केतना पियाई एगो माई बिना, मर्द के धार के केतना पियाई एगो माई बिना, कैसे करे जवाजू राई ये भाई एगो माई बिना। तो दोस्तों इसका गाना सुन के हमारे भी आंखों में आंसू आ गया। आप लोग समझ सकते हैं कि एक छोटी सी बच्ची अपनी पढ़ाई के लिए इतना दिन रात मेहनत करती है, अपने परिवार को चलाने के इतना दिन रात मेहनत करती है और रागिनी विश्वकर्मा को ऐसा नहीं करना चाहिए। रागिनी विश्वकर्मा अगर इस वीडियो को देखे तो समझ लेना चाहिए कि इस बच्ची के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बताइए आपकी रागिनी विश्वकर्मा सगी बुआ है? तो रागिनी विश्वकर्मा की सगी बुआ है और वायरल होने के बाद इस बच्ची को छोड़ दिया तो बहुत ही कष्ट हो रहा है हमें। ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भी ऐसा नहीं करना चाह लीजिए, किसी का भी किस्मत बदल जाता है, उसको अपने पीछे जो खड़े उनको साथ लेके चलना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। और अभी आप लोग देख सकते हैं कि इनका हालत क्या हुआ है, कितने पुराने कपड़े हैं, फटे कपड़े हैं और ये छोटी सी बच्ची एक ढोलक लेके चल रही है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसके ऊपर क्या गुजरता होगा। कोई भी माता पिता ऐसा नहीं चाहता है कि उसका बच्चा घर से ऐसे घूमे, हर मम्मी पापा चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे। ठंडा पी लो, पीजिए पीजिए। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करिए और अभी तो हमारा मतलब कुछ अर्निंग नहीं हो रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारा ये वीडियो वायरल होता है तो मैं इस बच्ची के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूँगा। और अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर रागिनी विश्वकर्मा इस वीडियो को देख रही हैं, इस भतीजी को सपोर्ट करें और अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएं, इनका एडमिशन करा दें और ये भी पढ़े। हमको लगता है कि अगर ये पढ़ेगी तो कुछ ना कुछ अपने लाइफ में जरूर करेगी। तो दोस्तों हमारे पास तो जो कुछ था बचा हुआ इस बच्ची को दे रहे हैं, अभी हमारे पास कुछ पैसा है नहीं, बस यही है तो इसको दे रहे हैं। अगर हमारा वीडियो वायरल होता है तो इस बच्ची के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे और इनके मम्मी पापा के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। खुश हो बेटा ना? तो बेटा अगर इस बार हम आपके पास आएंगे तो आपके लिए कपड़े और बुक्स लेके आएंगे, ठीक है? तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज एक लाइक करिएगा, भाई के चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चैनल का सब्सक्राइब कीजिए। तो प्यारी छोटी सी बच्ची भी कह रही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।